हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं बहुत ही सिंपल रेसिपी बता रही हूँ, आप लोग को शायद आती भी होगी, दही पूरी या फिर दही वाले गोलगप्पे। तो ये मैंने दही लिया है और मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, सॉरी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर शुगर थोड़ी सी, ताकि वो मिठास आए, दही अच्छा लगे। अब इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट एज पर टेस्ट और मैं ये अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए मैंने दही फेंट लिया अच्छे से। और द नेक्स्ट ट्रिक टू मेक अ गुड चाट इज रन द दही थ्रू अ सीव। सो ये देखिए, अब मैंने ना इसे छन्नी से छान लिया है। सो व्हाई आर वी रनिंग दिस दही थ्रू द सीव? फर्स्ट थिंग, इट बिकम्स क्रीमी, एंड सेकेंडली अगर ये ढंग से फेटा नहीं है तो वो भी हो जाएगा, पर मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये क्रीमीनेस जो है, देखिए, और एक अलग ही इसका चार्म आ गया है, जो पहले था और अब ये फेटा सीव करने के बाद है ना, बहुत अच्छा ये बन जाता है। सो कल मैंने गोलगप्पे तले थे और मेरे पास कुछ लोकल ब्रांड के गोलगप्पे थे, पर वो फूले नहीं, देखिए ऐसे हो गए। तो यूजली तो मैं इसे आटे के गोलगप्पे खरीद के लाती हूँ, उसी में मैं फिल करके बनाती हूँ, पर मेरे गोलगप्पे वो फूले नहीं, तो आई एम गोइंग टू यूज all these papdis and gonna make a dish for you guys. So अब मैंने सारे अपनी पापड़ियाँ अरेंज कर ली हैं। अभी मेरे पास कुछ बॉयल्ड पोटेटोज है जो मैंने क्यूब्स में काटे हैं, वो मैं ऐसे इनके ऊपर अरेंज कर लूँगी। अगर आपके पास गोलगप्पे हो तो आप उन्हें हाथ से आराम से तोड़ के छेद करके अच्छे से उन्हें फिल कर सकते हैं। सो हम पहले इस पर लगाएंगे आलू। खीरा इज ऑप्शनल, ये है मेरे पास तो मैं थोड़ा सा खीरा भी डाल रही हूँ यहाँ पे। द नेक्स्ट व्हाट आई हैव इज अनियंस, उसके तो बिना मज़ा ही नहीं आता है। आई हैव सम टोमेटोज, यू कैन हैव, यू कैन ऑल्सो यूज ग्रेटेड कैरेट्स, यू नो फाइनली ग्रेटेड कैरेट्स ऑल्सो आर गुड। सो मैं ये सारे अभी जो है सब सब्जियाँ लगा के इनको फिल कर देती हूँ। सो ये मैंने फिल कर ली है। ये बड़ा मज़ा तब आता है जब गोलगप्पे के अंदर हम फिल करते हैं, बस ओके, ये भी तो यूज़ करनी है। सो ये जो दही है मैं हल्के से इन सब के ऊपर पोर कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम नहीं, और अब हम फटाफट काम करेंगे क्योंकि दही की वजह से गोलगप्पे जो है सीधा पड़ जाए। सो ये मैं काला नमक, थोड़ा सा हल्का सा वाइट नमक, क्योंकि सब्जियों में नमक नहीं था, ये जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर जो है, थोड़ा सा और थोड़ा काला लाल मिर्च, लुकिंग ऑलरेडी सो गुड। ये हल्का सा गरम मसाला, आप चाहे तो मत डालिए, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। और ये पुदीना है मेरे पास, अगर आपके पास धनिया आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास पुदीना था फ्रेश तो मैंने वो डाल लिया है। अगर आपके पास ग्रीन चटनी अवेलेबल है यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो, मेरे पास नहीं है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ इमली की चटनी या सौंट, ये हम डाल देंगे बढ़िया से। तो देखिए कितनी फटाफट एक चाट बन जाती है घर पे, अगर सारा सामान अवेलेबल हो, एंड आई थिंक ये सारा सामान इजीली घर पे होता ही है। जैसे गोलगप्पे जो है आप ये नॉर्मल जो पापड़ी है उसके साथ भी बना सकते हैं। अब मेरे पास वो बारीक चाट वाले सेब नहीं है तो मैं नॉर्मल भुजिया है वो ही बुरका देती हूँ फ्लेवर के लिए और लुक के लिए थोड़ा सा। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी पापड़ी चाट बन गई। बनाइए और मुझे बताइए कैसा बना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।